दोस्तों आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल मोनू यूट्यूबर में। दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले कि इंडिया और साथ में वेस्ट इंडीज के बीच T20 का सेकेंड मुकाबला खेला जाएगा, उसके बीच हम सभी लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा प्लेयर्स जो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, किस प्लेयर्स को ग्रैंड लीग की टीम है। और जैसा कि थोड़ा बहुत आपको स्मॉल लीग का भी टीम बताते चलता हूं, तो इस वीडियो में भी आपको स्मॉल लीग का भी टीम मिलेगा। साथ में यहाँ पर गाइस देखो ग्रैंड लीग के लिए कौन कौन सा प्लेयर्स इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि भाई वीडियो को जो वो पूरा देखते रहना है, जो भाई वीडियो को पूरा देखता है, वीडियो को पूरा देख करके टीम का कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे मैंने आपको पिछले में यानी फर्स्ट T20 में आपको क्लियरली बोल दिया था कि भाई जैसन होल्डर और साथ में यहां पर से क्या कि युजवेंद्र चहल, ये दोनों बॉलर्स जो वह आपको विकेट निकालते हुए नजर आएंगे। और ग्रैंड लीग के लिए मोस्ट पिक आपको बोला था कि भाई जैसन होल्डर या आप चाहते हो चहल को, ये दोनों बॉलर्स में से किसी को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना तो आप कर सकते हो, आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई देखो यहां पर से जो वीडियो को पूरा देखता है, जो वीडियो को पूरा देख करके टीम का कॉम्बिनेशन बनाता है, भाई टीम का सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, टीम का कॉम्बिनेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है कि पूरा देखते रहना है। लेकिन भाई उससे पहले जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या कर देना कि वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देनी है, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देनी है। तो गाइस देखो इंडिया और साथ में वेस्ट इंडीज के बीच T20 का सेकेंड मुकाबला हो जाएगा। यह मुकाबला 6 अगस्त को खेला जाएगा, और इसका टाइमिंग तो गाइस इसका टाइमिंग 8 बजे यह मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा। और वह यहाँ पर से बैनू के अकॉर्डिंग आ जाते तो गाइस यह जो मुकाबला खेला जाने वाला प्रोविडेंस स्टेडियम गाइस यहाँ पर से गयाना में मुकाबला को खेला जाएगा। साथ में अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो गाइस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में टॉप पर पिन कर दिया, जहां से आप क्या कर सकते हो कि बड़े आसानी तरीके से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने से ये होता है कि जो मैं टीम लगाता हूं सेम वही टीम आपको कहां पर देखने को मिलता है, टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। अब देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको बता दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां पर हुआ तो ये जो वीडियो देख रहे हो वीडियो के नीचे में आपको मोर का आइकन होगा, मोर के आइकन पर क्लिक करोगे तो ऊपर में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो क्या करना कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में जाओगे तो नीचे में लिंक है, सिंपली लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हो। टेलीग्राम चैनल पे आने के बाद नीचे में आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, सिंपली ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। टेलीग्राम चैनल को जो भाई ज्वाइन करके रखा, जो भाई यहां पर से टेलीग्राम चैनल पर मुझे रेगुलर फॉलो करता, सभी को पता कि भाई ODI का मैच हो या T20 का मैच हो या यहां पर से बोले लंका प्रीमियर लीग मैच हो, सभी में बैक टू बैक जो हुआ विनिंग हो रहा। अगर अभी तक के आपने यह विनिंग करने में यानी बोले पैसा कमाने में पीछे रह गए तो भाई सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। अब देखो इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में आपको गाइस मैच डिटेल्स देखने को मिलेगा, टीस रिपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ में यहां पर से रिसेंट मैच प्लेयर्स स्टेट्स वेन्यू रिकॉर्ड हेड टू हेड रिकॉर्ड, उसके बाद रिसेंट फॉर्म यहां पर से स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग का आपको कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। अब देखो रिसेंट मैच के अगेंस्ट देखते हैं, तो देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं बैनू के अगेंस्ट, तो गाइस देखो बैनू पर देख लेते हैं टोटल मुकाबला जो T20 का खेला गया, 8 मुकाबला खेला गया, जिस टीम ने फर्स्ट राउंड बैटिंग किया, फर्स्ट राउंड बैटिंग करने वाले टीम ने 3 मैच को विन किया, सेकेंड राउंड बैटिंग करने वाले टीम ने 5 मैच को विन किया। स्कोरिंग पैटर्न देखते तो बैनू पर क्या कि भाई 150 हुआ 4 बार बना है, और साथ में 150 से 169 के बीच में 2 बार बना है, 170 और 189 के बीच में 1 बार बना है, 190 के ऊपर तो बैनू पर 1 बार बना है। एवरेज स्कोर देखते तो एवरेज स्कोर 156 का रहने वाला, हाईएस्ट स्कोर 191 का रहा इंग्लैंड की टीम ने बनाया, लोएस्ट स्कोर यहां पर से देखते हैं आयरलैंड की टीम ने 68 का बनाया। पिच होने वाला है बैटिंग पिच होने वाला, बैटिंग के साथ साथ क्या कि पेसर्स बॉलर्स इस वेन्यू पर बड़े आसानी तरीके से विकेट निकाल करके जाता है। अब हम देखते हैं कि रिसेंट मैच जो खेला गया इस वेन्यू के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो सबसे पहले देखो रिसेंट मैच जो खेला गया 30T20 खेला गया था 27 जुलाई 2022 को बांग्लादेश और साथ में वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने फर्स्ट राउंड बैटिंग करते हुए 5 विकेट खोकर के 163 रन बनाया था, जवाब में चेस करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने 169 रन बनाकर के यह मैच को विन किया था। साथ में गाइस देखते हैं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स बॉलर्स को 2 विकेट, पेसर्स बॉलर्स को 2 विकेट, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स बॉलर्स को 5 विकेट, पेसर्स बॉलर्स को जो हुआ 0 विकेट मिला। सेकेंड T20 मुकाबला जो खेला गया था 21 को यानी 2021 को 31 जुलाई को
पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के बीच, पाकिस्तान की टीम ने 157 तो वही पर यहाँ पर देखते हैं वेस्ट इंडीज की टीम ने चेस करते हुए यह मैच को लॉस्ट किया था। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स बॉलर्स को 0 विकेट, पेसर्स बॉलर्स को 6 विकेट, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स बॉलर्स को 1 विकेट, पेसर्स बॉलर्स को 3 विकेट मिला। साथ में यहाँ पर से आ जाते पेसर्स वर्सेज स्पिनर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो पेसर्स बॉलर्स को लास्ट 10 मैच में जाते तो 56 विकेट जो मिला वह पेसर्स बॉलर्स को मिला, वही यहाँ पर से देखते तो 53% जो विकेट निकाल कर गया स्पिनर्स बॉलर्स। पिछले 10 मैच में देखो तो यहाँ पर से गाइस 63 विकेट स्पिनर्स बॉलर्स इस वेन्यू पर विकेट निकालते हुए नजर आए। अब हेड टू हेड के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो हेड टू हेड में दोनों टीम के बीच जो मुकाबला खेला गया 25 मुकाबला खेला गया है, जिसमें गाइस इंडिया की टीम ने 17 मुकाबला को विन किया तो वही वेस्ट इंडीज की टीम ने यहाँ पर से क्या है कि 8 मुकाबला को विन किया। अब रिसेंट मैच प्रीव्यू के अगेंस्ट आ जाते हैं इंडिया और साथ में वेस्ट इंडीज के अकॉर्डिंग, तो वेस्ट इंडीज टीम रिसेंट 2 मैच से क्या कि भाई विन विन लॉस्ट, फिर यहाँ पर से क्या कि इनका लॉस्ट गया, वही इंडिया के अकॉर्डिंग चलते तो लॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर से फर्स्ट टी ट्वेंटी मैच में हम सभी लोगों ने सोचा था कि भाई टीम इंडिया जो बड़े आसानी तरीके से यह मैच को विन कर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर से टीम इंडिया ने 150 रन बनाना था, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम ने 149 रन बना करके दिया था टीम इंडिया को, लेकिन चेस करते क्या है कि भाई टीम इंडिया यह मैच को लॉस्ट किया था। फिर यहां पर से विन विन लॉस्ट, फिर यहां पर से देख लेते तो गाइस क्या कि विन रहा। अब देख लेते पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम किस प्रकार रहने वाला, सबसे पहले वेस्ट इंडीज के अकॉर्डिंग आते हैं तो देखो यहां पर से वी किंग, कैल मैर्स, चार्ल्स आ जाते हैं, फिर निकोलस पुरन, उसके बाद रोमेन पॉवेल, सिमरन हेटमायर, रेमारियो सेफर्ड हो गए, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करेंगे, जेसन होल्डर बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करेंगे, उसके बाद गाइस अकेल हुसैन हो गए यहां पर से बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करेंगे, वही यहां पर से देखते तो मैकवाई आ जाते हैं, अल्जारिस जोसेफ हो गए, जो कुछ इस प्रकार से क्या है कि वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11 टीम रहेगा। इसमें जो भी चेंज होगा, जो भी चेंजेस होगा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। अब भाई ये 11 प्लेयर्स में से देख लेते कि वेस्ट इंडीज के इधर से किस किस प्लेयर्स को मुझे अपने टीम में जुआ पिक करके जाना, साथ में वेस्ट इंडीज के अकॉर्डिंग से ग्रैंड लीग के लिए कौन कौन सा मोस्ट पिक रहने वाला, स्मॉल लीग का भी आपको बताते चलूंगा, तो आपको क्या करना कि भाई वीडियो को पूरा देखते रहना। अब एक एक प्लेयर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैंडन किंग आ जाते हैं, टी ट्वेंटी में देखते 36 मैच खेले करके 26 के एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में 23 का एवरेज है, वेन्यू पर एक मैच खेले, वेन्यू पर कुछ खास नहीं किया, फॉर्म में देखते हैं 28 रन, 36 रन, 23 रन, फिर यहां पर से 62 रन, तो देखा जाए तो भाई 20-20 में क्या कि ये प्लेयर्स वो ठीक ठाक रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रैंड लीग के लिए, जीएल के लिए मोस्ट पिक रहेगा, ग्रैंड लीग की टीम में जरूर से जरूर पिक करके जा सकते हो। कैल मैच टी ट्वेंटी 25 मैच के लिए 21 का एवरेज है, हेड टू हेड में देखते हैं 8 मैच के लिए 19 का एवरेज है, और एवरेज देखा जाए तो टीम इंडिया के अगेंस्ट कुछ खास नहीं, पिछले मैच में भी देखो तो भाई अपना 1 पर विकेट फेंक करके गया, फिर यहां पर से 17 रन रहा, 51 रन रहा, 6 रन, 1 रन, तो देखो यहां पर रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं, बट क्या कि काइल मैर्स काफी ज्यादा हिटिंग करते हैं, हिटिंग के कारण अपना विकेट भी फेंक करके जाते हैं, लेकिन गाइस ये कि जब इनका हिटिंग चलता तो इनके बल्ले से जो रन देखने को मिल सकता, तो क्या है कि आप भी इस प्लेयर्स को टीम में चाहते हो पिक करना तो पिक करके जा सकते हो। जेसन होल्डर टी ट्वेंटी में 42 मैच खेले, वही यहां पर से 23 के, सॉरी गाइस यहां पर से 44 आ जाते हैं, जेसन होल्डर नहीं, इनका देखते थे 23 का एवरेज है, हेड टू हेड में देखो तो 44 के एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में ठीक ठाक एवरेज है, रिसेंट फॉर्म में देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म में पिछले मैच 3 रन पे अपना विकेट गमा करके गए, 0 रन, फिर यहां पर से 1 से 18 रन, 28 रन, 24 रन, रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ठीक ठाक है, क्या है आप अपनी टीम में पिक करना चाहते हो तो पिक करके जा सकते हो, क्योंकि टीम इंडिया के अगेंस्ट 44 के एवरेज से बैटिंग करते हैं। निकोलस पुरन 76 मैच खेल करके 25 का एवरेज है, हेड टू हेड में गाइस 16 मैच के लिए 32 का एवरेज है, देखो टीम इंडिया के अगेंस्ट भी बैटिंग करना पसंद करते हैं, रिसेंट फॉर्म में 41 रन, पिछले 2 मैच के अकॉर्डिंग देखते हैं काफी अच्छा खासा स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में क्या कि निकोलस पुरन को पिक करके जा सकते हो। फिर यहां पर से आ जाते हैं रोमेन पॉवेल, रोमेन पॉवेल के अकॉर्डिंग चलते हैं टी ट्वेंटी में 59 मैच खेले, वही देखते तो 24 का एवरेज है, 5 विकेट निकाले, हेड टू हेड में 14 मैच खेले और 28 का एवरेज है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो हेड टू हेड में टीम इंडिया के अगेंस्ट ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट पिछले मैच में भाई क्या कि 48 रन बनाए और वेन्यू पर भी देखते तो वेन्यू पर भी काफी अच्छा खासा 37 के एवरेज से वेन्यू पर रन बना रहे, तो वेन्यू पर भी एवरेज ठीक ठाक है, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में पिक करके जा सकते हो। फिर रेमारियो सेफर्ट आ जाते हैं टी ट्वेंटी में 51 मैच खेले, 20 का एवरेज है, एवरेज देखा जाए तो कुछ खास नहीं, रिसेंट फॉर्म में आ जाते हैं 10 रन, 14 रन, रिसेंट फॉर्म देखते पिछले 3 मैच से तो कुछ खास नहीं करें, तो इस कंडीशन में क्या कि इस प्लेयर्स को चाहते हो वैसे एक आध टीम में लेना तो एक आध टीम में पिक करके जा सकते हो, बाकी ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर से रेमारियो सेफर्ट आ जाते हैं 27 मैच खेले,
48 का एवरेज है, 24 विकेट निकाले, देखा जाए T20 में तो ठीक ठाक विकेट निकाले, हेड टू हेड में 4 मैच के लिए 33 रन बनाए, हेड टू हेड में देखा जाए तो कुछ खास एवरेज से रन नहीं बना रहे, रिसेंट फॉर्म में देखते तो पिछले मैच में 4 रन 2 विकेट देखो यहाँ पर से रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, 41 रन 3 रन प्लस 1 विकेट, रन प्लस विकेट देखो यहाँ पर से, कभी कभी इनका ये प्लेयर्स में एक खासियत है कि रन बनाते हैं तो भाई यहाँ पर से विकेट नहीं निकालते, लेकिन रन नहीं बनाते तो ये विकेट निकाल करके देने वाले, तो इसलिए ग्रैंड लीग के लिए मोस्ट पिक रहेगा इस प्लेयर्स को, ग्रैंड लीग की टीम में जरूर से जरूर पिक करके जा सकते हो। जैसन होल्डर T20 में 52 मैच खेले और 15 के एवरेज से रन बना रहे, 55 विकेट निकाले, हेड टू हेड में देखते हैं, हेड टू हेड में 11 मैच खेल करके 10 का एवरेज है, 9 विकेट निकाले, बैनू पर कुछ खास नहीं, रिसेंट फॉर्म में 6 रन 2 विकेट, फिर यहाँ पर से देखते 13 रन 1 विकेट 0 विकेट सॉरी 1 विकेट 1 विकेट 4 रन 3 विकेट, देखो यहाँ पर से कंटिन्यू विकेट निकालते हुए नजर आ रहे हैं, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों पिक करके जा सकते हो। और बैनू पर क्या है कि पेसर्स बॉलर्स फास्टर्स बॉलर्स विकेट निकालते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसे आप चाहते हो अपनी टीम के लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन करना, तो जैसन होल्डर को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी पिक करके जा सकते हो। फिर अगला प्लेयर्स जो आ जाते हैं गाइस यहां पर से अकेल हुसैन आ जाते हैं, इनके अकॉर्डिंग चलते हैं 35 मैच खेले और यहां पर से 27 विकेट निकाले, ठीक ठाक विकेट निकाले, हेड टू हेड में 7 मैच खेले 5 विकेट निकाले, बट रिसेंट फॉर्म में देखा जाए तो एक एक विकेट करके निकाल लें, ग्रैंड लीग के लिए मोस्ट विकेट जीएल की टीम में जरूर से जरूर पिक करके जा सकते हो। फिर मैकवाई आ जाते हैं T20 में 28 मैच खेले 40 विकेट निकाले, भाई T20 में काफ़ी अच्छा खासा विकेट निकाले, इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छा खासा 8 का इकोनॉमी है, वही यहाँ पर से आ जाते हैं हेड टू हेड में, तो हेड टू हेड में 6 मैच खेले 11 विकेट निकाले, 9 का इकोनॉमी है, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट, पिछले मैच से 2 विकेट, फिर यहाँ पर से देखा जाए 2 विकेट 3 विकेट ऐसे करके निकाल लें, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग के लिए मोस्ट पिक रहेगा। अल्जारिस जोसेफ के अकॉर्डिंग आ जाते हैं 13 मैच खेले 22 विकेट निकाले, बैनू पर देखते हो बैनू पर एक भी मैच नहीं खेले, रिसेंट फॉर्म में पिछले मैच में 0 विकेट निकाले, लेकिन ये जो प्लेयर्स है ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर सुन सकते हैं, तो इसलिए बोले कि भाई ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर से अल्जारिस जोसेफ को विकेट निकालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखो जब ये विकेट नहीं लेते तो इनको भाई विकेट नहीं मिलता, और जब ये विकेट लेते तो 5 विकेट 4 विकेट 3 विकेट ऐसे करके निकालते हैं, तो इसलिए बोले कि भाई इस प्लेयर्स को ग्रैंड लीग की टीम में जरूर से जरूर पिक करके जा सकते हो। अब देखते हैं बेंच प्लेयर्स, तो बेंच प्लेयर्स में से कुछ इस प्रकार से रहेगा, रोस्टन चेस हो गए, फिर यहां पर से थॉमस आ जाते हैं, साई होप हो गए, देखो यहां पर से बेंच प्लेयर्स इसमें जो भी चेंज होगा जो भी चेंजेस होगा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं स्टार्टिंग ओवर एंड डेथ ओवर में, देख लेते हैं कि कौन कौन सा बॉलर जो वो बॉलिंग करेगा स्टार्टिंग ओवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो स्टार्टिंग ओवर में गाइस सबसे पहले यहां पर से मैकवाई बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, अल्जारिस जोसेफ हो गए, फिर यहाँ पर से देखो तो हुसैन हो गए, वही डेथ ओवर के अगेंस्ट आते हैं, तो जैसन होल्डर डेथ ओवर में बॉलिंग करते थे, इसलिए बोले कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन करना चाहते हो तो सिलेक्शन कर सकते हो। मैकवाई आ जाते हैं, रेमारियो सेफर्ट हो गए, जो कुछ इस प्रकार से बॉलर से स्टार्टिंग ओवर एंड डेथ ओवर में बॉलिंग करके जाएगा। अब टीम इंडिया के अगेंस्ट देख लेते हैं प्लेइंग 11 टीम किस प्रकार रहने वाला, ईशान किशन, सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, युजवेंद्र, जो कुछ इस प्रकार से 11 प्लेयर्स रहेगा। अब ये 11 प्लेयर्स में से एक एक प्लेयर्स का स्टैट्स देख लेते हैं, एक एक प्लेयर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, तो सबसे पहले गाइस यहां पर आ जाते हैं कौन, ईशान किशन, देखो 28 मैच खेले 28 मैच खेले करके 24 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो T20 में भाई कुछ खास रिसेंट फॉर्म नहीं, हो सकता तो इनके जगह पर क्या कि यशस्वी जायसवाल को भी मौका मिल सकता है, या आप बोल सकते हो सुमन गिल की जगह पर, ये दोनों बल्लेबाज के जगह पर यशस्वी जायसवाल को मैच में खेलते हुए खेलने की काफी ज्यादा संभावना है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा खासा है, तो आप मेरे साथ देखो जो भी चेंज होगा इसमें जो भी चेंजेस होगा टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, यदि जायसवाल खेलता है तो क्या जायसवाल को कैप्टन बनाना या नहीं बनाना सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। हेड टू हेड में 5 मैच के लिए 88 रन बनाए, कुछ खास नहीं, 17 के एवरेज से रन बना रहे, पिछले मैच में 6 रन पर विकेट फेंक करके गए। सुमन गिल का देखते हैं, T20 में 7 मैच खेले और यहाँ पर से 34 का एवरेज है, देखा जाए तो T20 में ठीक ठाक एवरेज है, रिसेंट फॉर्म में पिछले मैच में 3 रन पर विकेट फेंक करके गए, फिर यहाँ पर से 126 रन 11 रन 7 रन 46 रन, तो देखा जाए तो पिछले मैच में कुछ खास नहीं किए, बट प्लेयर्स मोस्ट पिक रहेगा, आप अपनी टीम में स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों पिक करके जा सकते हो। बेच वाइस में चाहते हो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन करना, तो क्या कि आप अपनी टीम के लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी पिक करके जा सकते हो। सूर्य कुमार यादव T20 में 49 मैच खेले 45 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म में 21 रन 24 रन 26 रन 47 रन, फिर यहां पर से क्या कि 12 रन बनाए, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड
ग्रैंड लीग, दोनों में पिक करके जा सकते हो। वेस्ट वॉइस में ग्रैंड लीग के अकॉर्डिंग जाते हो तो आप अपने टीम के लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी पिक करके जा सकते हो सूर्य कुमार के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं तिलक वर्मा, एक मैच के लिए डेब्यू मैच में काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस के एक मैच खेल करके 39 रन बनाए। तो देखा जाए तो रिसेंट में ठीक ठाक है, हिटिंग काफी ज्यादा करते हैं, तो आप ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तिलक वर्मा को। ग्रैंड लीग की टीम में जरूर से जरूर आप क्या कर सकते हो कि पिक करके जा सकते हो। फिर यहाँ पर से आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या का देख लेते हैं। तो गाइस 88 मैच खेले, 25 का एवरेज से रन बना रहे, 70 विकेट निकाले, हेट टूर में 6 मैच खेले और साथ में देखते 16 का एवरेज है और ओनली 3 विकेट निकाले। पिछले मैच में 19 रन 1 विकेट 30 रन, फिर यहाँ पर से देखो 4 विकेट निकाले, 15 रन 1 विकेट 21 रन 0 विकेट, काफी अच्छा खासा स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों पिक करके जा सकते हो। यदि अपना स्पेल का पूरा ओवर बॉलिंग करते हैं तो भाई 2-3 विकेट बड़े आसानी तरीके से, कम से कम तो 2 विकेट निकाल करके इस मैच में खास करके देने वाले हार्दिक पांड्या। तो इसलिए स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों पिक करके जा सकते हो। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन करना चाहते हो तो CNBC भी पिक करके जा सकते हो। संजू सैमसन T20 में 18 मैच खेले, 19 का एवरेज है, हेट टू हेड में 28 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म में पिछले मैच में ओनली 12 रन 15 रन 30 रन 77 रन, काफी अच्छा खासा प्लेयर से GL के लिए मोस्ट पिक रहेगा क्योंकि ग्रैंड लीग में काफी कम लोग पिक करके जा रहे थे। ग्रैंड लीग की टीम में संजू सैमसन को जरूर से जरूर पिक करके जा सकते हो। अक्षर पटेल 41 मैच खेले और यहाँ पर से देखते हो तो 37 विकेट निकाले, हेट टू हेड में 3 मैच खेले 5 विकेट निकाले, तो हेट टू हेड में कह सकते हो ठीक ठाक विकेट निकाले, बट रिसेंट फॉर्म में देखा जाए तो बॉलिंग प्लस बैटिंग से काफी अच्छा खासा करने वाले बल्लेबाज है। स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों पिक करके जा सकते हो, ग्रैंड लीग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रैंड लीग के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो कि अक्षर पटेल को पिक करके जा सकते हो। कुलदीप यादव 29 मैच के लिए 47 विकेट निकाले, काफी अच्छा खासा विकेट है निकाल रहे T20 में, हेट टू हेड में 12 मैच खेल करके मैच खेल करके 12 विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, बट क्या कि ये जो बॉलर से वो ODI में बैक टू बैक विकेट निकालते हुए नजर आए। तो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो दोनों पिक करके जा सकते हो। पिछले मैच में इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन अक्षर पटेल या आप कह सकते हो कुलदीप यादव या मैं आपको बोलूं यहां पर से गाइस युजवेंद्र चहल, ये तीनों बॉलर्स में से कोई ऐसा बॉलर होगा जो बड़े आसानी तरीके से आपको 2 विकेट तो कम से कम निकाल करके देने वाला है। अर्शदीप सिंह 27 मैच के लिए 43 विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों पिक करके जा सकते हो। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप अपनी टीम के लिए काफी ज्यादा सेफ रहेगा, खास करके ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पिक करके जा सकते हो। मुकेश कुमार एक मैच के लिए 0 विकेट निकाले, युजवेंद्र चहल के अकॉर्डिंग आ जाते 76 मैच खेल करके T20 में 93 विकेट निकाले, वही यहाँ पर से हेट टू में 6 मैच खेल करके 8 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, देखो मोस्ट पिक रहेगा स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में क्या कि पिक करके जा सकते हो। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन करना चाहते हो तो युजवेंद्र चहल को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी पिक करके जा सकते हो। बेंच प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं यशस्वी जायसवाल, काफी ज्यादा चांसेस है इस प्लेयर्स को कि भाई यहाँ पर से 5 T20 का मुकाबला है तो एक आध मैच में तो काफी ज्यादा चांसेस है जो ये प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। फिर उमरान मलिक आ जाते हैं, आवेश खान, उसके बाद गैस क्या रवि बिश्नोई, जो बेंच प्लेयर्स कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग ओवर एंड डेथ ओवर में कौन कौन सा बॉलर जो वह बॉलिंग करता, स्टार्टिंग ओवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग ओवर में अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, डेथ ओवर में मुकेश कुमार को मौका मिला। देखो स्टार्टिंग ओवर एंड डेथ ओवर में क्या कि मुकेश कुमार को मौका मिला, यदि आप अपनी टीम में पिक करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, क्या टीम में मौका दे सकते हो मुकेश कुमार को। अर्शदीप सिंह हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, जो कुछ इस प्रकार से बॉलर से स्टार्टिंग ओवर एंड डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा। अब देख लेते कि भाई मैंने अपना टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया, विकेट कीपर में ईशान किशन, फिर यहाँ पर से देखते हैं निकोलस पूरन को पिक करके जा रहा हूँ। बैटिंग एस में आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव, सुमन गिल, ब्रैंडन किंग हो गया, तिलक वर्मा, और ऑलराउंडर्स में देखते हैं तो हार्दिक पांड्या, जैसन होल्डर, बॉलिंग एस में चहल, अर्शदीप सिंह सेफर्ड हो गया। इसमें कैप्टन देखे तो मैं अपनी टीम का जो कैप्टन बना करके जा रहा हूँ यहाँ पर से सूर्य कुमार यादव को कैप्टन, और BC देखते तो भाई मेरे टीम का जो हुआ BC हार्दिक पांड्या, ये ग्रैंड लीग का टीम है और साथ में इसमें जो भी चेंज होगा, जो भी चेंजेस होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में टॉप पर पिन कर दिया हूं। और साथ में गाइस देख लो इस प्रकार से मैंने आपको जो है एक एक प्लेयर वाइज एनालिसिस कर दिया हूं, और जो भाई वीडियो को पूरा देखा होगा उसको यहाँ पर से टीम क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर से प्लेयर्स का स्टैट्स से एक एक प्लेयर वाइज मैंने आपको एनालिसिस कर दिया हूं, और स्टैट्स के साथ यदि आप टीम का कॉम्बिनेशन
बनाते हो तो भाई ग्रैंडली ब्रिंग करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। यदि आप टुक्के में टीम बनाते हो तो तुक्का में क्या कि भाई आप ग्रैंडली को नहीं बिन कर पाओगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से मैं रोजाना एक वीडियो लेकर के आता हूँ प्रिडिक्शन का। और जो वीडियो को रेगुलर देखता है, रेगुलर वॉच करता है भाई, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, सभी में बैक टू बैक बिनिंग करता है। तो मिलेंगे फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ सभी लोग।